चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मई 2018 के एग्जाम में 10 मार्क्स का आया था और ये आईसीएआई स्टडी मटेरियल में भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए सर देखते हैं। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ रुपीज इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, ऑफ विच 15 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुली पेड ऑन 30th जून 2017। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 मतलब इसके पास 20 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 करोड़ रुपीज, देखो ये बना है ना रुपी का सिंबल, तो 2 करोड़ रुपए इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच मतलब इसके पास 20 लाख शेयर्स हैं। Of which 15 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2017. 15 lakh shares issue ये कर चुके हैं, इनके पास अभी 5 lakh shares issue करने की और capacity है। ठीक है, the company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of 10 rupees each at a price of 12 rupees each मतलब 2 रुपए per share premium लिया जाइए। ठीक है, the company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of 10 rupees each at a price of 12 rupees each मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है। the arrangements for payment being किस तरह से पेमेंट करना है वो दिया हुआ है। 2 rupees per share payable on application to be received by 1st July 2017 okay, allotment to be made on 10th July 2017 अच्छा, and a further 5 rupees per share including the premium मतलब अब प्रीमियम में, प्रीमियम का पैसा इस 5 रुपए में इंक्लूडेड है। तो देखो 12 रुपए का शेयर है, ठीक है 10 रुपए की फेस वैल्यू है, चलो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसमें एप्लीकेशन में 2 रुपए ठीक, अलॉटमेंट में अगर 5 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम का हो गया मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट का। ठीक है, तो कितना 3 और 2 5 हो गया, तो बचा फाइनल 5 रुपए। To be payable, the final call for the balance to be made. तो balance आ गया अपना 5 रुपए। कैसे balance 5 रुपए आया? I hope समझ में आ गया है। 10 रुपए की face value थी, 2 रुपए on application, 3 रुपए on allotment. 3 रुपए क्यों? क्योंकि allotment पे 5 रुपए मांग रहे हैं, जिसमें से premium का amount भी included है। 5 रुपए में premium का amount भी included है। Premium का amount कितना है? 2 रुपए। ठीक है? 12 minus 10 is 2 rupees. तो 3 रुपए अलॉटमेंट पे लिया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे लिया, बचा हुआ 5 रुपए ये लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेंगे। एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल 2018। ठीक है, ये तो टर्म्स ऑफ इश्यू थे। अब देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद एज फॉलोस। 4,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, इनवाइट कितना का किया था? 1,30,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, 1,30,000 शेयर्स इशू करने थे, एप्लीकेशंस आ गई 4,20,000 शेयर्स की एंड वर डेल्ट विद एज फॉलोस। अब देखो इसको किस तरह से इन लोगों ने डील किया है। एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। ठीक है, इस 4,20,000 में से जो 20,000 के एप्लीकेंट्स थे उन लोगों ने तो जितना अप्लाई किया उनको पूरा का पूरा मिल गया। ठीक, एप्लीकेंट्स फॉर 1,00,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर मतलब अगर आपने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1 शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 50,000 शेयर्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, प्रोराटा हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन वाला केस आ गया, ना इन लोगों ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया ना इन लोगों ने कंप्लीटली प्रोराटा किया। ठीक है ना, इन 20,000 शेयर्स को, इन 20,000 एप्लीकेंट्स को तो पूरे के पूरे शेयर्स इशू कर दिए, और ये जो 1,00,000 वाले हैं इन 1,00,000 को कहा कि आपको, आपने अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हम आपको सिर्फ 1 शेयर इशू करेंगे। राइट, नो मनी वॉज रिटर्न्ड टू दीज एप्लीकेंट्स, जो बचा हुआ पैसा। अच्छा, आप देखो 1,00,000 शेयर्स के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है, अगर किसी ने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 रुपए। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए। अब अगर 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन मनी कितना आया है? 1,00,000 × 2 मतलब 2,00,000। ठीक है, पर इन्हें शेयर्स तो सिर्फ 50,000 इशू किए गए, और अगर सिर्फ इन्हें 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं मतलब एप्लीकेशन मनी इन्हें लाना चाहिए था सिर्फ 1,00,000 रुपए। ठीक है ना, ध्यान से देखो, 1,00,000 रुपए की एप्लीकेशन आई, अगर 1,00,000 रुपए की एप्लीकेशन आई तो 1,00,000 के साथ का एप्लीकेशन मनी भी आया होगा। एप्लीकेशन मनी पर शेयर 2 रुपए का है। राइट, तो 1,00,000 × 2 मतलब ये आ गया 2,00,000 रुपए। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव हुआ 2,00,000 रुपए का, पर हमने उन्हें शेयर्स कितने अलॉट किए? सिर्फ 50,000,
मतलब एप्लीकेशन मनी सिर्फ 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख रुपीज आना चाहिए था। तो ये जो 1 लाख रुपए एक्सेस वाला पैसा आ गया है, ये जो 1 लाख रुपए एक्सेस पैसा आ गया है, इसका क्या करें? क्या इन लोगों को वापस कर दें? नहीं, देखो क्या कह रहे हैं, No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. नहीं, हम वापस नहीं करेंगे। ये जो बचा हुआ 1 लाख रुपए है, इसको वापस नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? अरे allotment में भी तो इनसे पैसा लेना होगा ना। ध्यान से देखो, देखो, application money 2 रुपए है, application money 2 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो अब ये जो 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं, ये जो 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं, इन्होंने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो इन लोगों ने पे कर दिए, लेकिन इन्हें शेयर्स कितने अलॉट हुए? सिर्फ 50,000। इन्हें शेयर्स कितने अलॉट हुए? 50,000। तो कायदे से इन्हें कितना एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था? कायदे से इन्हें कितना एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था? रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी कितना देना चाहिए था? 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब इस 2 लाख रुपए में से, इस 2 लाख रुपए में से टुवर्ड्स एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख रुपए जाएगा। तो बचे हुए 1 लाख का क्या करें? क्या उनको वापस कर दें? क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये जो 50,000 शेयर्स आपने इशू किए, ये जो 50,000 शेयर्स आपने इशू किए, इनसे आप ये 5 रुपए के रेट पे अलॉटमेंट मनी भी तो मांगोगे। ये जो आपने 50,000 शेयर्स इन लोगों को इशू किए, इससे आप 5 रुपए के रेट पे अलॉटमेंट मनी मांगोगे, ठीक है। कितना मांगोगे? 50,000 इंटू 5 आप इनसे 2.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी मांग लोगे। आप इनसे 2.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी मांगोगे। तो जब 1 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है, जब एक लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करो ना, इस सरप्लस को अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, इस सरप्लस को अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, और इस सरप्लस को अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, और अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए मांग लेना। अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए मांग लेना, ठीक है। ये बात है, ये देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, ठीक है। 1 शेयर फॉर एवरी 2 का मतलब हुआ, 2 अगर अप्लाई किए थे तो आपको 1 शेयर मिलेगा। तो अगर आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया तो आपको 50,000 शेयर्स मिलेंगे। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, इन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया गया। सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बींग यूज टू रिड्यूस दी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना भी सरप्लस मिल गया था एप्लीकेशन के टाइम पे, उससे कहा कि अलॉटमेंट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर देखा अलॉटमेंट मनी लोगों से कितना मिलने वाला था, 50,000 इंटू 5 यानी 2,50,000, ठीक है। 1 लाख ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ था, इसको यहां से माइनस कर दो। अब हम लोग अलॉटमेंट के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए ड्यू करेंगे, अब हम लोग अलॉटमेंट के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए ड्यू कर देंगे, ठीक बात है, ओके। फिर नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर, जिन लोगों ने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 5 के बदले सिर्फ 1 मिल रहा है, 5 के बदले सिर्फ 1 मिल रहा है। तो 5 के बदले सिर्फ 1 मिल रहा है, तो 3 लाख के बदले कितना मिलेगा? 3 लाख इंटू 1/5, 3 लाख इंटू 1/5 मतलब 60,000, ठीक है, 60,000। तो एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड हाउ मच? ओनली 60,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स ऑफ 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड ठीक है, लेकिन अब देखो 3 लाख पे इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 2 रुपए मतलब 6 लाख, ठीक है।
3 लाख पे इन लोगों ने 2 रुपए पर शेयर के बेसिस पे एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा, मतलब इन लोगों ने जब एप्लीकेशन दी तो 6 लाख रुपए का इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे दिया। अच्छा, इसमें से देखो, इसमें से टुवर्ड्स एप्लीकेशन जाएगा कितना, इसमें से टुवर्ड्स एप्लीकेशन कितना जाएगा, 60,000 इंटू 2, क्योंकि 60,000 शेयर ही इशू किए, तो इसमें से सिर्फ 1,20,000 रुपए एप्लीकेशन के लिए जाएगा, सिर्फ 1,20,000 रुपए एप्लीकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, बचे हुए का क्या करेंगे, क्या वापस कर देंगे, 6 लाख माइनस 1,20,000, बचे हुए का क्या करेंगे, वापस करेंगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, जितना भी अलॉटमेंट के लिए ड्यू था वो पूरा का पूरा आप रिटेन कर लो, अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत जान बच जाए तो अपने लिए, सॉरी अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो फिर आप उसको वापस कर दो, द एक्सेस बींग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब देखो, हमने इनको 60,000 शेयर इशू किए, हमने इनको 60,000 शेयर इशू किए, तो 60,000 पे कितना अलॉटमेंट मनी आएगा, टूवर्ड्स अलॉटमेंट 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5 ही आता है 3 लाख रुपए। क्या कुछ पैसा बच रहा है, ऑफ कोर्स बच रहा है, 6 लाख मिल गया था, 6 लाख में से आप 1,20,000 माइनस करो, 6 लाख में से आप 1,20,000 माइनस करो, बचता है 4,80,000 रुपए, 6 लाख में से आप 1,20,000 माइनस करो तो बचता है 4,80,000 रुपीज। ठीक है, इस 4,80,000 में से अलॉटमेंट के लिए तो सिर्फ 3 लाख रुपीज ही चाहिए, तो जितना भी बचा माइनस 3 लाख कर दो, अगर 1,80,000 उसको रिफंड कर दो, जो 1,80,000 रुपए इसको आप रिफंड कर दो। ठीक है, तो जो 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं, जो 3 लाख के एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों ने 6 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी दे दिया, जिसमें से हम लोगों ने 1,20,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन रखा, 3 लाख टुवर्ड्स अलॉटमेंट रख लिया, और जो बचा हुआ 1,80,000 था वो वापस कर दिया। ठीक है, वो वापस कर दिया। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या थी, 30th April। ठीक है, ड्यू डेट थी अपनी 30th April, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th April 2018। तो द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड, इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, ये जितने ये जो अजीब अजीब से मैंने चार्ट्स बनाए हैं ना, ये वाला चार्ट हो गया या ये वाला चार्ट हो गया, एक काम करते हैं, एक प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना पैसा एडजस्ट किया गया, कितना पैसा रिफंड किया गया, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू करना है। ठीक है, जैसे क्या हुआ गया कि ये जो 2 लाख वाले एप्लीकेंट्स हैं, ये जो 2 लाख वाले एप्लीकेंट्स हैं, इसमें से अब सिर्फ 1.5 लाख रुपए ये अलॉटमेंट पे ड्यू करना है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ये अलॉटमेंट पे ड्यू करना है। ये जो 3 लाख वाले एप्लीकेंट्स हैं, इन पे अलॉटमेंट पे कुछ ड्यू ही नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के टुवर्ड्स ही जितना पैसा मिला था वही सारा का सारा अलॉटमेंट में आ गया, तो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कुछ ड्यू करने ही नहीं है। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, ये जितने भी हम लोगों ने ये चार्ट्स बनाए हैं, एक चार्ट तो हम लोगों ने यहां पर बनाया हुआ है, एक चार्ट हम लोगों ने यहां पर बनाया हुआ है, एक चार्ट हम लोगों ने यहां पर बनाया हुआ है, इसमें हम लोग क्या डिटरमिन कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये डिटरमिन कर रहे हैं पहले तो कि अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कितना अमाउंट एडजस्ट किया जा रहा है, अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कितना अमाउंट एडजस्ट किया जा रहा है, जैसे ये अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कितना अमाउंट एडजस्ट किया जा रहा है, और दूसरा कितना अमाउंट रिफंड किया जा रहा है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने चार्ट्स बनाए, इन चार्ट्स की मदद से हम लोग ये डिटरमिन कर रहे हैं कि अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा एडजस्ट किया जा रहा है, और कितना पैसा रिफंड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक प्रॉपर नोट बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों का जैसे अब ये अलॉटमेंट के अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है 3 लाख रुपए, ये टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, राइट, ये टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, तो अब क्या अलॉटमेंट करते समय इस अमाउंट को अलग से मांगोगे आप, ऑफ कोर्स नहीं मांगोगे, ये तो एप्लीकेशन के टाइप आ ही गया, ये जो 6 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी आया इसके दौरान अलॉटमेंट मनी भी आ ही गया, तभी तो आपने उसको यहां पर एडजस्ट किया। तो आप अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, ड्यू तो आप पूरे अमाउंट से करोगे, तो क्या रिसीव भी करोगे, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट पहले बनाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें जर्नल एंट्रीज में किस तरह से टैकल करना है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो आप एक काम करो, दो पेजेस छोड़ दो जर्नल के लिए, आप दो पेजेस छोड़ दो और उसके बाद हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट और रिफंड के लिए अमाउंट किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, राइट? तो अब मुझे नहीं पता कि एक पेज लग जाएगा या दो पेज लग जाएगा, इसमें फाइनल कॉल अमाउंट भी था तो हो सकता है दो पेजेस लग जाए, तो सेफ साइड आप दो पेजेस छोड़ दो, मैं भी दो पेजेस छोड़ दे रहा हूँ, एक पेज ये छोड़ा, एक पेज ये छोड़ा और यहां पर आके मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड, ठीक है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड। अच्छा, पहले आप लोग मुझे देख लो क्योंकि काफी बड़ी सी टेबल है तो कई सारे कॉलम्स बनाने होंगे, फिर बाद में रोगे कि स्पेस नहीं हो पा रही है सर, 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 ठीक है, तो पहले आप लोग मेरे को देख लो कितने कॉलम्स में बना रहा हूं और उसके बाद उस बेसिस पे आप लोगों को करना होगा, राइट? तो पहले मेरे को देख लो, सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरीज, सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरीज, फिर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, फिर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, फिर रिफंड, फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और फिर फाइनली अमाउंट रिसीव्ड ऑन। मैंने भी इसे आईपैड पे बनाने के लिए दो बार प्रैक्टिस की थी, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग इसको कॉपी कर लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना यहां पर, ये जहां पर भी आएगा एक लाइन छोड़ देना बस, ये जिस भी लाइन तक आपकी ये हेडिंग्स आएंगी ना, जैसे अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये मेरी फोर्थ लाइन तक आई, तो आपकी जो भी फोर्थ या फिफ्थ लाइन तक जितना भी आप लंबा लंबा इस तरह से करके लिखोगे तो वहां उसके बाद आप बस एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स हो जाएंगे, दिस विल बी माय कॉलम वन, दिस विल बी कॉलम टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में ये वाली टेबल दी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को ये टेबल करा रहा हूँ। अदरवाइज जब मैं 12th पढ़ाता था तो जो मैंने अभी आप लोगों को चार्ट्स बना के समझाए, मैं उन्हीं चार्ट्स को लिखवाता था वर्किंग नोट में, बट क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है तो हम इंस्टीट्यूट के तरीके से काम करेंगे, ठीक है। बाकी इस टेबल में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, लॉजिकल सी टेबल है, दो तीन बार बनाओगे अपने आप याद हो जाएगी। कैटेगरीज, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन,
amount required on application, amount adjusted towards allotment, refund, amount due on allotment, amount received on allotment. Bana lo please isko jaldi se. Categories, number of shares applied for, number of shares allotted, amount received on application, amount required on application, amount adjusted towards allotment, refund, amount due on allotment, and amount received on allotment. Theek hai sir? चलो सबसे पहले कैटेगरी वन. कैटेगरी वन, कैटेगरी वन में क्या आएगा? कैटेगरी वन में ये आएगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर. देखो हमने तीन कैटेगरीज किस किस तरह से बांटी हैं, पहले तो ये दिखा देता हूं. ये जो एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स हैं ये हो जाएगी हमारी कैटेगरी वन, एप्लीकेंट्स फॉर 1,00,000 शेयर्स हैं ये हो जाएगी हमारी कैटेगरी टू, और ये एप्लीकेंट्स फॉर 3,00,000 शेयर्स हैं ये हो जाएगी हमारी कैटेगरी थ्री. ठीक है, तो 3,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 4,20,000, और इतने की ही एप्लीकेशंस आई हैं. ठीक है, तो 4,20,000 की एप्लीकेशंस आई हैं. इसके इसमें हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. क्यों तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है? क्योंकि तीनों कैटेगरीज का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है. ये 20,000 वालों को तो पूरा का पूरा शेयर दे दिया गया, तो कोई पंगा नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई रिफंड नहीं करना, कुछ नहीं करना. राइट, इन 1,00,000 वालों को 50,000 शेयर्स दिए गए, तो इसका अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है. इन 3,00,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए गए. ठीक है, इन 3,00,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए गए, तो एप्लीकेशन मनी भी पूरा आ गया, अलॉटमेंट मनी भी पूरा आ गया, जितना बचा उसको रिफंड कर देना है. ठीक है, तो आ जाओ कैटेगरी वन टू थ्री. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 20,000, 1,00,000, 3,00,000. ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 20,000 वालों को तो पूरे 20,000 अलॉट कर दिए, 1,00,000 वालों को 50,000 अलॉट किए, और 3,00,000 वालों को 60,000 अलॉट किए. ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में यही आएगा, 20,000 वालों को तो पूरे अलॉट कर दिए, 1,00,000 वालों को 50,000 अलॉट किए, टू फॉर एवरी वन शेयर अप्लाइड. ठीक है, सॉरी, वन फॉर एवरी टू शेयर अप्लाइड, और 3,00,000 वालों को 60,000 अप्लाई किए, 3,00,000 वालों को 60,000 अलॉट किए, वन शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर्स अप्लाइड. राइट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं था, ₹2. ठीक, तो यहां पर आप कर दो, ये जो आपने 3 लिखा है ना, इसको लिखो आप 1 × ₹2. मतलब जो फर्स्ट कॉलम वाली फिगर है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, उसी के बेसिस पे तो एप्लीकेशन मनी मिलेगा, है ना. अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, तो जितने शेयर्स अप्लाई किए थे उसके बेसिस पे ₹2 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ. तो आपने 3 में लिख दिया 1 ब्रैकेट में 1 मतलब कॉलम नंबर 1 इनटू ₹2. ठीक है, तो 2, अब कैलकुलेटर पे कैसे करना है, कैलकुलेटर पे देखो तीन फिगर्स हैं अलग अलग, 20,000, ये रही 20,000, ये रही 1,00,000, और ये रही 3,00,000. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेटर पे करना है, तो कैसे आप करोगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लिखो 2, आप कैलकुलेटर पे करो 2 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 40,000 आया, यहां लिख दो 40,000. ठीक है, आप कैलकुलेटर पे आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली लिखो 1,00,000 और इज इक्वल टू, ये वाला 1,00,000, आप सिंपली लिखो 1,00,000 और फिर इज इक्वल टू ये आ गया 2,00,000, टाइम सेव होगा इससे. फिर आप लिखो 3,00,000 और इज इक्वल टू, फिर ये आया आपका 6,00,000. ठीक है ना, 40,000, 2,00,000 और 6,00,000. अब नेक्स्ट कॉलम आ रहा है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन. रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन के लिए भी आप लिखो यहां पर, ये रहा कॉलम 4. कॉलम 4 की फिगर कैसे आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मतलब कॉलम 2, जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उनको, उसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट विल गिव यू अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने भी शेयर्स आपने अलॉट किए गए हैं उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट द अमाउंट, ना अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन. तो आप इसे करो कॉलम नंबर 2 इनटू ₹2, इससे आपके कॉलम नंबर 4 की वैल्यू आएगी.
ठीक है, तो 20,000 अगेन 2 into 20,000, दिस गिव्स यू 40,000, 50,000, तो ये आता है 1,00,000, ये आता है 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। आप देखो अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, देखो जो कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन में तो कोई भी अमाउंट अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट नहीं किया है, कैटेगरी वन में कोई भी अमाउंट अलॉटमेंट के टुवर्ड्स क्या एडजस्ट किया गया है? नहीं, जितने भी शेयर्स के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था उतने शेयर्स इनको अलॉट कर दिया गया, तो कैटेगरी वन में अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट आ जाएगा निल, ठीक है, कैटेगरी वन में अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट आ जाएगा निल। सेकेंड जो कैटेगरी है जिसमें 1,00,000 के एप्लीकेंट्स थे, इन लोगों ने 2,00,000 रुपए का एप्लीकेशन मनी दिया, इन लोगों ने 2,00,000 रुपए का एप्लीकेशन मनी दिया, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन था सिर्फ 1,00,000 रुपए, मतलब जो 1,00,000 बचा ये अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट है, ठीक है ना। 2,00,000 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, रिक्वायर्ड था ओनली 1,00,000 रुपीज, तो ये जो बचा हुआ 1,00,000 है ये अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट हो गया, ठीक। इस वाली कैटेगरी में देखो 3,00,000 के एप्लीकेंट्स थे, अलॉट हुए सिर्फ 60,000, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन आ जाएगा आपका 6,00,000 रुपए, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन आया 1,20,000। अब आप अलॉटमेंट के टुवर्ड्स कितना एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट करने के लिए आपको देखना होगा 60,000 × 5 यानी 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए, ये पूरे के पूरे 3,00,000 रुपए आपके टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हो गए, ठीक है, ये पूरे के पूरे 3,00,000 रुपए आपके टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हो गए। 6,00,000 में से 1,20,000 तो टुवर्ड्स एप्लीकेशन एडजस्ट हुए और 3,00,000 रुपए पूरे टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हो गए। ये देखो इसके नीचे आप लिख सकते हो 60,000 × 5, ठीक है। आई होप ये वाला वर्किंग नोट भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो थर्ड कैटेगरी थी, जिन लोगों ने 3,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 60,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 60,000 शेयर्स के बेसिस पे, 60,000 शेयर्स पर 2 रुपए के बेसिस पे एप्लीकेशन मनी अगर निकाला जाए तो 1,20,000 रुपए आता है। इन लोगों के पास अभी भी 6,00,000 माइनस 1,20,000 4,80,000 रुपए बचते हैं, इसमें से 3,00,000 टुवर्ड्स अलॉटमेंट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रिफंड का, तो भाई कितना आएगा आपका 4,80,000 माइनस 3,00,000 इज इक्वल टू 1,80,000, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में कोई रिफंड नहीं, सेकंड कैटेगरी में कोई रिफंड नहीं, सेकंड कैटेगरी का तो अलॉटमेंट वाला अमाउंट ही पूरा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसमें तो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट करने वाला अमाउंट भी पूरा नहीं पड़ रहा है। 50,000 × 5 अलॉटमेंट में ड्यू होता ना, 50,000 × 5 2,50,000 रुपए ड्यू होते, सिर्फ 1,00,000 ही तो एडजस्ट कर पा रहे, तो रिफंड क्या करेंगे, राइट। रिफंड में आ गए निल 1,80,000। अब देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट कितना ड्यू करना होगा अलॉटमेंट के लिए, 20,000 वालों को वही अगेन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला जो है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इनफैक्ट आप ना यहां पर भी लिख सकते हो 7 में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कॉलम नंबर 2 × ₹5, ठीक है ना, जितने शेयर्स अलॉट हुए 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो 5 × 20,000 गिव्स यू 1,00,000 × 50,000 गिव्स यू 2,50,000 × 60,000 गिव्स यू 3,00,000, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकल के आ गया और उसके बाद ये जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है इसको आप लिख दो, ये है आपका कॉलम नंबर 8, ठीक है, कॉलम नंबर 8 इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू, ये वाला मतलब कॉलम नंबर 7 माइनस अमाउंट एडजस्टेड यानी कॉलम नंबर 5, ठीक है ना। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट था 1,00,000 रुपए, अमाउंट एडजस्टेड कितना था निल, तो अमाउंट रिसीव कितना होगा 1,00,000, ठीक है। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कॉल्स इन एरियर्स हो जाए, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूं क्यों नहीं होगा,
लास्ट पॉइंट देखो, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट. तो अगर फाइनल कॉल वाला पैसा ही ड्यू डेट पे मिल जा रहा है तो मतलब अलॉटमेंट वाला पैसा तो पूरा का पूरा मिल ही चुका है. ठीक है, चलो. तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में सेवेंथ कॉलम इज अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस फिफ्थ कॉलम विच इज अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. राइट, तो 1 लाख माइनस नील, ये आ गया 1 लाख. फिर नेक्स्ट आपका आ गया 2.5 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आया आपका 1,50,000. और उसके बाद ये 3 लाख माइनस 3 लाख, तो ये आ गया आपका नील. ठीक है, फिर आप एक टोटल का कॉलम बनाओगे, फिर आप एक टोटल का कॉलम बनाओगे और सबका आप टोटल ले लोगे. उससे क्या फायदा होगा सर? बहुत फायदा होगा, मैं बताऊंगा. जर्नल एंट्रीज करने में बहुत फायदा होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर का टोटल आ गया 4,20,000. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 4,20,000. 20,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये आया 1,30,000. ठीक है, फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख, 8,40,000. ठीक, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,60,000. अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 0 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, 4 लाख. रिफंड 1,80,000. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख, 6,50,000. और अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट होगा 2,50,000. ये है सर आपका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड. ये बना आपका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड. ठीक है, क्लियर है इतना. अब आप आ जाओ इधर पीयूष लिमिटेड की जर्नल बनाने के लिए. अब आप आ जाओ, पीयूष लिमिटेड जर्नल. यहां पर भी डेट वेट एकदम भर भर के दी हुई है, तो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, सारी मेरे ख्याल से 2017 की बातें चल रही हैं. मैं तो क्वेश्चन थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं. अरे यार पागल हो जाता है ये कभी कभी. आ जाओ भाई क्वेश्चन पे मेरा. चलो जी आप देखते हैं. कंपनी प्रपोज्ड टू मेक अ फर्दर इश्यू ऑफ 1,30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्राइस ऑफ 12 रुपीज ईच. द अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट्स बीइंग 2 रुपीज पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1st July 2017. तो मतलब एप्लीकेशन मनी 1st July 2017 को रिसीव हुआ है. 2017 July 1. Bank account debit to equity share application account being application money received for
420,000 shares at 2 rupees each. 420,000 into 2, 840,000. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 420,000 शेयर्स एट 2 रुपीस ईच. इसको आप चाहो तो वर्किंग नोट में यहां पर भी देख सकते हो. ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कॉलम नंबर 3, 840,000 रुपीस. ठीक है, तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो ऐसे, रेफर नोट कॉलम 3, रेफर नोट कॉलम 3. इसके बाद एप्लीकेशन नहीं तो हो गया, अलॉट कब किया है? अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई 2017 एंड अ फर्दर 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेएबल, मतलब ड्यू करना है. तो 10th जुलाई को अलॉटमेंट कर दो, जुलाई 10. ठीक है, जुलाई 10 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा का पूरा आपका 840,000 से डेबिट होगा ही होगा. ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पूरा का पूरा 840,000 रुपए से डेबिट होगा ही होगा. ठीक है, आओ देखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा. ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, आइए यहां पर देखते हैं. अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 260,000 रुपए, इसीलिए टोटल्स करवाए थे. ठीक है, जितना अमाउंट एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही तो शेयर कैपिटल में जाएगा. ठीक है, जितना अमाउंट एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना ही तो शेयर कैपिटल में जाता है. तो यहां पर रिसीव तो हो गया 840,000, लेकिन हम लोगों ने शेयर्स जितने लोगों को हम लोगों ने शेयर्स इश्यू किए उन लोगों को कितने, 130,000 ना, 130,000 शेयर्स हम लोगों को इश्यू करने थे. तो 130,000 इंटू 2 करके देख लो, 260,000 रुपए आ गया. ठीक है, तो इतना ही पैसा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इतना ही पैसा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो 260,000 रुपए, अरे कहाँ गया, ये तो था, 260,000 रुपए. यहां पर आप कर दो रेफर नोट कॉलम, कौन सा कॉलम था, 4, रेफर नोट कॉलम 4, 260,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल. तो ये हो गया. क्या कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था? नहीं. ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट के टुवर्ड्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट था, थोड़ा सा पैसा टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्टमेंट था. ठीक है, तो हम यहां पर करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, कितना एडजस्ट किया था, कितना एडजस्ट किया था, आ जाओ वर्किंग नोट में देखते हैं. अमाउंट एडजस्टेड कॉलम नंबर 5 देखो, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 400,000 रुपए, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 400,000 रुपए. चुपचाप यहां पर लिख दो 400,000 रुपए, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट आ गया 400,000 रुपए. ठीक है, रेफर नोट कॉलम 5, रेफर नोट कॉलम 5, और जितना भी बचा कुचा है उसको आप रिफंड करोगे. तो टू बैंक अकाउंट रेफर नोट कॉलम 6, आई गेस ये रहा 6 कॉलम इज रिफंड, 180,000 रुपए आप रिफंड करोगे. तो 180,000 रुपए आप रिफंड करोगे. देख लो टोटल, 260,000 प्लस 400,000 प्लस 180,000, ये आ गया 840,000. सही हो गई आपकी जर्नल एंट्री. ठीक है सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 840,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 260,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400,000 रुपए जो हम लोगों ने एडजस्ट किया टुवर्ड्स अलॉटमेंट,
टू बैंक अकाउंट जो हम लोगों ने रिफंड कर दिया 1,80,000 रुपए। अब आ जाओ इसका नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,30,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू equity share capital account on 2,00,000 shares adjusted with allotment and on 90,000 shares refunded. And on 90,000 shares refunded. देखो, 1,30,000 इंटू दो 2,60,000 रुपीज, ठीक है, ये तो आपका ट्रांसफर कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,00,000 शेयर्स वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दे, ये देखो 4,00,000 रुपए आ रहे, मतलब 2,00,000 इंटू टू, तो 2,00,000 शेयर्स पे जितना भी एप्लीकेशन मनी मिला था इसको टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया। और 90,000 इंटू टू मतलब 1,80,000, तो इसको हम लोगों ने रिफंड कर दिया, इसको हम लोगों ने रिफंड कर दिया। तो 10th जुलाई को शेयर्स अलॉट किए गए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,30,000 शेयर्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑन 2,00,000 शेयर्स एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड ऑन 90,000 शेयर्स रिफंडेड। इसके बाद आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, कैसे करते हो आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए भी सर ये देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉलम नंबर 7, 6,50,000 रुपए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 6,50,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,50,000 रुपए, ठीक है। लेकिन इस अलॉटमेंट वाले अमाउंट में 2 रुपए तो प्रीमियम का भी था, अलॉटमेंट वाले अमाउंट में 2 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी था ना, तो आप यहां पर करोगे टू, अच्छा पहले यहां पर ऐसे लिख लो, रेफर नोट कॉलम कौन सा 7, रेफर नोट कॉलम 7, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखो, अलॉटमेंट पे 5 रुपए ड्यू होने वाला था, ठीक है, टोटल मतलब 1,30,000 इंटू 5 ये आया होगा, 1,30,000 इंटू 5 6,50,000 आया, 1,30,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, 5 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू था, ठीक है, ड्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो 1,30,000 इंटू 5 किया तो 6,50,000 आया, ठीक है, तो 1,30,000 इंटू 2 अगर कर देंगे तो प्रीमियम वाला अमाउंट आ जाएगा, 1,30,000 इंटू 2 अगर कर देंगे तो प्रीमियम वाला अमाउंट आ जाएगा, मतलब 1,30,000 इंटू 3 अगर किया तो अपना कैपिटल में चला जाएगा, तो 1,30,000 इंटू 3 3,90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,30,000 इंटू रुपीज 2, टू लाख 60,000 रुपीज, ठीक है सर। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,50,000, अलॉटमेंट पे कैसे निकाला, 1,30,000, 1,30,000 शेयर्स इश्यू किए थे, 1,30,000 इंटू 5, 1,30,000 इंटू 5 किया तो अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट निकल के आया, इसमें से टुवर्ड्स कैपिटल कितना जाना था, 1,30,000 इंटू 3,
टुवर्ड्स कैपिटल जाना था 1,30,000 इंटू 3 और 1,30,000 इंटू 2 जाना था सिक्योरिटीज प्रीमियम पे. तो हम लोगों ने ये ड्यू वाली एंट्री भी कर दी. ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. Being allotment amount due. एक काम करो, जो इंस्टीट्यूट ने नरेशन दिया हुआ है ना इसका वही लिख लो, थोड़ा बड़ा है, इससे भी काम चल जाएगा, बट फिर भी आप वो लिख लो. Being अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,30,000 शेयर्स एट 5 rupees ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम एट 2 rupees ईच. बस ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,30,000 शेयर्स एट 5 rupees ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम एट 2 rupees ईच. अब अलॉटमेंट मनी जो ड्यू किया उस पे पैसा मिलेगा भी हम लोगों को. अब पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट रेफर नोट कॉलम 8. ये सर 2.5 लाख रुपए मिलेगा. अलॉटमेंट मनी ड्यू पूरा का पूरा 6.5 लाख से करेंगे लेकिन रिसीव करेंगे सिर्फ 2.5 लाख रुपए. ठीक है ना, तो कॉलम 8 था ना, ये कॉलम 8 2.5 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड बीइंग बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड. बीइंग बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड. Being balanced due on allotment received. देखो अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना. हम लोगों ने यहां पर जब application money का adjustment कर रहे थे, जब हम लोग application money का adjustment कर रहे थे तो equity share allotment account को credit किया था 4 लाख रुपए से. ठीक है, equity share allotment को credit किया था 4 लाख रुपए से, right? यहां debit किया 6.5 लाख रुपए से. जब हम लोगों ने allotment amount due किया तो यहां पर debit किया 6.5 लाख रुपए से. ठीक, तो डेबिट बैलेंस कितना हो गया 2.5 लाख रुपए. 4 लाख से क्रेडिट किया था, 6.5 लाख से डेबिट किया, मतलब 2.5 लाख रुपए डेबिट बैलेंस हो गया और यहां पर बैंक में मिल गया 2.5 लाख रुपए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया. अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया ये अकाउंट, अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, अपने आप ही टैली हो गया, अपने आप ही क्लोज हो गया. ठीक है, तो बैंक से 2.5 लाख रुपए मिल गए, ये भी हम लोगों ने कर लिया. अब ये जो एडजस्टमेंट और रिफंड और ये सारा वाला पंगा चल रहा था, ये सारा का सारा खत्म हो चुका है, अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका है. अब बस आप लोग चुपचाप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करोगे और उसको रिसीव कर लोगे. ठीक है, तो यहीं पर कर लो. ड्यू करने वाली डेट तो दी नहीं है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, ड्यू करने वाली डेट कहीं नहीं दी है, लेकिन फाइनल कॉल का जो बैलेंस है ये रिसीट वाली डेट दी है 30 अप्रैल. ठीक है, तो आप करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,30,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू. तो 1,30,000 इंटू 5 दिस कम्स टू 6,50,000.
और उसके बाद अप्रैल 30th कब से स्टार्ट किया था ये? जुलाई 10th तो 2018 के अप्रैल 30th में आएगा ना ये 2018 के 30th अप्रैल क्या? हाँ 2018 सही तो है 2018 अप्रैल 30th ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6.5 लाख 6.5 लाख बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ये था सर आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया ठीक है। काफी चीजें समझानी थी तो इस क्वेश्चन की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करो पूछो मुझसे। वैसे आई होप आनी नहीं चाहिए समझा दिया सभी कुछ समझा दिया चार्ट्स भी बना के समझा दिया उसके बाद टेबल भी बनवा दी सब लिखवा भी दिया राइट right?